हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। मैं जैसे अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ, कोई आईआरसीसी की ओर से आई हो तो जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कोशिश करता हूँ। आज दो अपडेट्स लेकर आया हूँ। पहली अपडेट है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग और दूसरी है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग। सो जो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है उसमें ये है कि अब आईआरसीसी ने थोड़ी और पावर्स अपने पास जो होती हैं वो एक्सरसाइज करनी शुरू की हैं। उन्होंने ये कहा है कि पहले स्टूडेंट्स जैसे कहीं पर भी अपना प्रोग्राम स्विच कर लेते थे विद इन कैनेडा, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या सारी चीज़ें होती थी, तो अब उन्होंने थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्शंस लगाना या कह लो कि प्रॉपरली ट्रैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मान लीजिए एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में आप प्रोग्राम स्विच करते हो तो वो आपके स्टडी प्रोग्राम्स की जो स्टार्ट डेट है उससे पहले कर सकते हो, आपको नया परमिट लेना होगा और आईआरसीसी जब चाहे दोनों कॉलेजेस से या एक कॉलेज से आपकी पूरी डिटेल ले सकती है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे आपका काम है, हर चीज़ मतलब वो ट्रैक कर सकते हैं, जो कि पहले काफ़ी कम था। अब बल्कि ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी कि जो भी स्टूडेंट्स को वो एडमिशन दे रहे हैं उनको प्रॉपरली वो ट्रैक कर सकें कि ये कितने घंटे क्लासेस में आते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, वो हर चीज़ ट्रैक करेंगे। ये उनकी नई जिम्मेवारी होगी क्योंकि अब ये इनका नेक्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ गुड इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम। होता है ऐसे है कि जो आपका वीज़ा है या स्टडी परमिट्स वगैरह हैं वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं और जो स्टडी प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो यूजली प्रोविंसेस के पास होते हैं, कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की ओवरसाइट है वो यूजली प्रोविंस लेवल पे होती है। तो अब आईआरसीसी जो है वो चाहती है कि जो मतलब स्टडी प्रोग्राम्स हैं वो जॉब मार्केट रिलेटेड हों, सो इसलिए शायद ये मतलब इन्होंने कोशिश की है ताकि वो हर चीज़ को ट्रैक कर सकें, एनालिसिस कर सकें और उसके बाद कोई स्टडी प्रोग्राम्स में अगर ज़रूरत है या कुछ आगे चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये मेरे को लगता है कि ये स्टेप उस लिए लिया गया। सेकेंड अपडेट है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो कि AAIP की मैं बात करता रहता हूँ, जो आप लोग वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हो। उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, उसकी डिटेल्स नहीं दी हैं, कि वो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के अंदर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम को जो लोग क्राइटेरिया मीट करते हैं उन लोगों को आगे रखना चाहेंगे एज़ लॉन्ग एज़ उनके पास जॉब ऑफ़र हो। सो ये पहले भी ऐसा कैनेडा में होता था, ये सिर्फ अपना मैं तजुर्बा थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर होता था तो उसको एडवांटेज मिलता था क्योंकि वहाँ के सिस्टम्स और यहाँ के सिस्टम, वहाँ के लॉज और यहाँ के लॉज काफ़ी हद तक सिमिलर है और यहाँ के जो लॉज हैं कैनेडा के वो काफ़ी हद तक इंग्लैंड के लॉ से उठाए गए हैं। तो अब ये एक नया प्रोग्राम, इसकी जब डिटेल्स आएंगी आप चेक करते रहिए। और जस्ट हेड्स अप देना चाहता था जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग बहुत काबिल होते हैं, वो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट में आके भी अच्छा अचीव करते हैं, सो ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो लोग पहले पुलिस ऑफिसर्स काम कर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है या इन्वेस्टिगेटर्स रहे हैं किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में, उस तरह के लोगों को हो सकता है आगे फ़ायदा मिले। और इन्होंने भी ना बाय स्कोर इनको रैंक करके आगे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के हिसाब से इन्होंने सिलेक्शन करना होगा। एंड मेक श्योर जो भी पुलिस फोर्सेज हैं उनकी वेबसाइट्स चेक कीजिए, कहीं पर आपको जॉब्स दिखती हैं तो उन पर आप ज़रूर ट्राई करते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर अपना प्यार देते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी ओर से गुड लक है जो लोग अपना फ्यूचर कनाडा में अल्बर्टा में प्लान करते हैं। फिर किसी अच्छी अपडेट्स के साथ मिलूंगा, तब तक कीर्ति की ओर से बाय बाय, हैव अ गुड डे।